नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सिंगल। मैं एक्टर, कॉमेडियन और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। और इस माध्यम से, कैपिटल टीवी के माध्यम से, आपने मुझे बहुत देखा है। शुरुआत में इस चैनल का नाम ओपिनियन पोस्ट हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है और उसका नाम अब हो गया है कैपिटल टीवी। लेकिन आप इस बात को मानेंगे कि अभी तक जो चीज़ में बदलाव नहीं आया है वो है आपका प्यार, जो आपने हमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हमें दिया है। भले ही मैं अपने किरदारों की बात करूं, तो सबसे पहले मैंने जो किरदार इस प्लेटफॉर्म पे निभाया वो था इमरान खान का। असलबरूद भाई, देखें आपसे मैं कहना चाह रहा था कि हमारे लेंटर लगे पड़े हैं। आप देखिए, मैं जाया हुआ पड़ा हूँ, मैं कहीं जाता बाद में, वो मेरी जो बेगैरतपना है ना, वो पहले पहुँच जाता है। और देखिए, फ़ोन आ गया मेरे पास किसी का। तो इस तरीके से वो जो कैरेक्टर था, वो जो किरदार था इमरान खान का, उसको आपने बहुत प्यार दिया, उनको बहुत सराहा, मेरी काबिलियत को, मेरी एक्टिंग को और मेरे पंचेस को आपने बहुत सराहा। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो किरदार कुछ ऐसा था जो आपको बहुत पसंद आया। देखिए, ये देखिए, हमारी लाचारगी है कि कोई बंदा कहीं पर बम फोड़ करके आता है तो आ करके पाकिस्तान में छुप जाता है। श्री लदेन भी यहीं पकड़े गए थे, आप लोगों ने, आपके बंदे आए थे, हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं पता था गोरे आए हैं जी, अगर लदेन नहीं गया तो हम गए। तो भाई मैं बोलूँगा कि अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम बरूद, और अब जाते जाते बोलूँगा अल्लाह हाफिज़ नो सईद। बहरहाल बात आती है अखिलेश यादव की। तो अखिलेश यादव जैसे हमने उनको बनाया, बेचा आपकी तरफ, आपकी तरफ उन्होंने भेजा टोंटी लेकर के, वो टोंटी लेकर के आपकी तरफ आए और आपने उन्हें बहुत प्यार दिया, क्योंकि आप जानते थे अगर इस आदमी को प्यार नहीं देंगे तो ये अपनी साइकिल उल्टी करके चल देगा और टोंटी हमारे पास फेंक के मारेगा। देखिए ज़रा, चेक कीजिए इनको भी। देखिए, पहली बात तो ये कि हमने टोंटी चोरी नहीं की। दूसरी बात, हमने वाक्य में टोंटी चोरी नहीं की, ऐसा क्यों? देखिए, एक आदमी जो लैपटॉप बांटता है, एक जगह का मुख्यमंत्री है, ठीक है, अपने घर में रहता है, उस पर आप बेफजूल का इल्ज़ाम लगा रहे हो। और इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हो, क्या कह रहे हो, आपने इधर की भी टोंटी ले ली, उधर की भी टोंटी ले ली। अब मैं आपको बता दूं, मैं आपके ऑफिस में आने से पहले मैंने सबको कह रहा था जितनी टोंटियाँ सब उतार दो, क्यों? क्योंकि फिर से इल्ज़ाम लग जाएगा जी, अखिलेश जी आए थे, वो गए हैं, उसके बाद टोंटी नहीं मिली। तो देखा आपने किस तरीके से इन्होंने टोंटियों के बारे में बताया। लेकिन एक और आदमी हैं जिनको हमने आपकी तरफ भेजा था, दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब। नमस्कार जी, नमस्कार, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जी, सबके सब मिले हुए हैं, घर पे बीवी भी यही बोलती है कि मैं आपको दाल चावल नहीं दूंगी, क्यों? क्योंकि आप दाल चावल दोनों मिला दोगे और दोनों बोलोगे मिले हुए, बता रही हूँ मैं आपको, इसलिए मैं आपको नहीं देती दाल चावल। इसी तरीके का किरदार हमने केजरीवाल साहब को निभाया और आपने किस तरीके से उसको प्यार दिया, देखिए। जिसके पिछवाड़े में है सबसे बड़ा बाल, अरविंद केजरीवाल। नमस्कार जी, मैं आपका वही छोटा सा सेवक, अब बड़ा हो गया हूँ, नाम मेरा AK। एक तो AK-47 होती है और एक होता है AK केजरीवाल। सबसे पहले तो मैं PK जी को धन्यवाद देता हूँ, प्रशांत किशोर जी को, उन्होंने जिस तरीके से मदद की है मेरी, भाई बहुत बढ़िया आदमी है, मतलब ऐसा आदमी मैंने देखा नहीं। मैंने एक बार लात मार दी थी, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने ऐसे करके झाड़ा और फिर आ गए। मेरी मदद करने को और कोई तैयार हो जाता है, क्यों? क्योंकि मैं हर एक की मदद करके चलता हूँ। स्पेशली मतलब देखिए, मैं कैरेक्टर का कितना अच्छा आदमी हूँ। लेडीज़ के लिए मैंने सब फ्री कर दिया है, देखिए मेट्रो में फ्री, ठीक है जी, अपना बसेज में फ्री, ठीक है जी, और उसके बाद जहाँ भी मतलब वो चाहें, मैं तो आगे टिक्की भल्लो पे भी करना चाह रहा था लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि टिक्की भल्ले वाले बोले कि यार हमारी वाइफ ही सारा खा जाएंगी तो हम क्या करेंगे, हम कैसे खाएंगे। मैंने कहा नहीं, आपके साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए जी। तो अब आपको मैं बता दूँ जी, अगर अब की बार मैं आ गया तो मैं अब की बार क्या क्या करने वाला हूँ, CCTV कैमरे हर एक के बेडरूम में होंगे, हर एक के बेडरूम में होंगे, स्ट्रीट्स पर होंगे, स्ट्रीट वाले चले ना चले, बेडरूम वाले जरूर चलेंगे, मैं बता रहा हूँ।
भाई कोई भी किरदार, कोई भी आर्टिस्ट तभी आगे बढ़ता है जब आप लोगों का उसको प्यार मिलता है, आप लोगों का प्रोत्साहन मिलता है और आप लोग उसको सराहते हैं। हमारा ही एक प्रोग्राम लूज टॉक, जिसे कि डॉक्टर मनीष कुमार प्रेजेंट करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। उसमें हमने कुछ किरदार किए थे मुलायम सिंह जी का, तो देखिए पहले किस तरीके से वो किरदार किया था। लेकिन बताइए, वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, आप मोदी जी के कारण में क्या जाके कहे थे? भाई कॉन्फिडेंस बात थी, पहली बात तो ये कि सबको लगा मैं पता नहीं क्या बोला हूँ, जैसे आपके समझ में उनके भी समझ में, हमने बोला था सॉरी बोला था। लेकिन कुछ लोग तो बोलते कि नोटबंदी की वजह से जो कुछ पैसा फंसा हुआ है उसको बचाने के लिए आपने। नहीं, ये बेवकूफ़ बात, हमने से ये बोला था सेव माई चाइल्ड सॉरी। अच्छा, चाइल्ड को बचाने के लिए, अखिलेश को बचाने के लिए आप पैरवी कर रहे थे? बिल्कुल। लेकिन अखिलेश को बचाने के चक्कर में तो आपको अखिलेश ने तो हर चीज़ से बाहर कर दिया, पार्टी से भी बाहर कर दिया, आप तो बेकार ही हो गए। अब आप गए मोदी उठाएंगे, देखो फिर दर्द होगा। उनने सिर्फ पास हमारी नहीं, उनने हमारी सायगी का जो बेगा क्या हम जान दिए, हम आपको खुद वेतन नहीं दे पाता था कभी कभी, वो हम बोलते थे हमारे जे चाहिए बोझ। आप वेतन लेते थे? अब क्या बोले, जब बताएं तो बताएं सही बात आपको बताएं। हमने बोला हमें जे चाहिए, हमें बहुत चाहिए, जैसी जैसी चीज। देखिए जब गब्बर सिंह बुड्ढा हो गया तो उसके बाद उसका जो कौन था ऊपर जो बैठता था वो भी नहीं, सांवा सब उस पर जो है कटाक्ष कर रहे हैं, कोई उस पर मजाक कर रहे हैं। तो एक आपके उम्र के दौर के बाद आपको सब संवेदनशीलता आपको ना आनी चाहिए, जो हमें आ गई। इसलिए हम आराम से बैठे रहते हैं, देखते रहते क्या हुआ क्या ना हुआ, कछु कर सकते हैं तो कर लेते, नहीं कर सकते क्या पता। आए गए कुछ कहें कि हमें नहीं किया, हमें नहीं पा कि चाहिए, हमें काम किया पा, जो भी हमें किया टांगे क्यों पे किया वाह, हमें समझ नहीं आ रहा था ना उन्हें समझ में आ रहा था। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी हुई थी और डॉक्टर साहब ने भी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी, लेकिन हमने जब इसको पूरा बना लिया तो आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों ने उसको प्रोत्साहन दिया और उसी तर्ज पर हमने एक और किरदार किया अन्ना हजारे का। मैं बोला अन्ना जी को भी आपकी तरफ हमने भेजा और सबसे बड़ी बात है कि जब हमने अन्ना जी को भी वो दिखाया वीडियो तो वो भी बोले क्या बात है कितना अच्छा कर लेते होता हूँ। देखिए मैं बोल रहा है आप अपने घर में चेक कीजिए, हर 10 मिनट में चेक कीजिए, कोने में चेक कीजिए, फ्लावर वॉश के पे उसमें क्या बोलते हैं उसको डब्बे में चेक कीजिए, वॉश में चेक कीजिए कि कहीं आप लोगों के घर में केजरीवाल तो नहीं पल रहा है। अगर पल रहा हो तो नीली वाली चप्पल आती है ना घिसी हुई, ऐसे करके मारो। तो ये थे अन्ना हजारे और उसके बाद ट्रंप। मैं बोला मिस्टर मोदी से कि आप आए थे हमारे हाथ में टैप टैप किया और मेरे हाथ में सूचना आ गया। My wife also saying that you know there was some sort of swelling out there. What happened? मैं उन्हें क्या बोला मोदी जी? India and Indian people, I just love your way. I mean the way you love. I mean, thank you so very much for your love and your, you know, affection. Thank you. Oh, Mr. Modi. Oh. Hello, Mr. Modi, how are you? Main acha hu, I'm fine. Please tell. Mere haath mein abhi dard hai, wo swelling bhi hai, thoda sujan bhi hai. What can I do? Itna tez maarte ho, itna tez maarte ho. Haath mein swelling nahi ja raha hai. तो जब तक ट्रंप साहब के हाथ की सूजन जाती, उनकी स्वेलिंग जाती, तब तक हमारा एक और किरदार आपकी तरफ आया और वो किरदार जी हाँ नसीर साहब का था और जो कि छत पे बैठे हुए हैं और आपसे बता रहे हैं कि भाई देखिए मैं के राहुल गांधी सोनिया आंटी सबको मारना नहीं बचाना चाहता हूँ। देखिए पूरा वीडियो, इन लोगों को ध्यान रखिए कि राहुल आंधी, सोनिया आंटी, ओवैसी और काला कौआ कन्हैया कुमार, इनको हमें मारना नहीं बचाना है,
क्योंकि हमें इस देश की रगों में वो इनटॉलरेंस का जो इंजेक्शन हम देते रहते हैं वो देते रहना है, ठीक है। बाकी तो देखिए बचा के रखिए, सर्दी से, सर्दी से बच गई तो मोदी तो मार ही देगा। तो आपने देखा किस तरीके से नसीर साहब ने छत पे बैठ के सर्दियों में ड्रेस कोड चेंज करके किस तरीके से आपको गुदगुदाया और आपने इनको बहुत सराहा। और उसके बाद एक किरदार जावेद साहब का था, जावेद साहब भी आपकी तरफ आए, उन्होंने अपने जिस तरीके से वो बोलते हैं, जब बोलते वक्त उनके मुंह से बुस यानी थोड़ा सा फव्वारा आपकी तरफ गया था, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से कैमरा कवर नहीं कर पाया, वरना पानी आप तक ज़रूर पहुंचता। बहरहाल देखिए ज़रा किस तरीके से जावेद साहब ने आपसे कुछ कहा। आप इस तरीके की बयानबाजी करते हैं ना, जो क्या बोलते हैं भाई टॉलरेंस इनटॉलरेंस पे, आप ना करें। देखिए हम लोग हैं अब बिल्कुल कब्र में हमारे लटके पड़े पैर दोनों की बात कर रहा हूँ, हमें ये सब चीज़ें अब शोभा नहीं देती। मेरा तो फिर भी लड़का चल गया, आपका तो बिल्कुल ही बंदर सा है, ओ सॉरी लंगूर, बंदर से तो जस्ट जोकिंग, इसको आप ज़रा उसमें मत लीजिएगा। हमने इमरान खान के साथ भी एक्सपेरिमेंट किए थे, हमने उन्हें लूज टॉक में भी इंट्रोड्यूस किया, और हमने एक जगह और उनको इंट्रोड्यूस किया, वो था कौन बनेगा करोड़पति, जब पे बच्चन साहब के पास आए हैं कौन बनेगा करोड़पति खेलने के लिए, और आपने उस वीडियो को भी काफ़ी लाइक किया और लोगों के पास भेजा। देखिए इस वीडियो को ज़रा देख लेते हैं। कौन कौन से मुल्क में आपने भीख नहीं मांगी? ए अमेरिका, बी रशिया, सी चाइना और डी इंडिया। ना ना ये गलत सवाल है जी, ये मैं बताऊंगा, इंडिया से हमने थोड़ी ना कुछ मांगा है, हमने थोड़ी भीख मांगी इंडिया से। हाँ गलत कैसे? तो भाई साहब ये कश्मीर कौन मांग रहा है? कौन मांग रहा है कश्मीर? ये दे दो कश्मीर दे दो, अल्लाह के नाम पे कश्मीर दे दो, कौन मांग रहा है? और ये जो लाख रुपए आपने जीता है ये भी आपको भीख में ही मिला है, समझ लीजिए। जी सही, क्या क्या तो सही रहे हो आप, बहुत ही अच्छा वीडियो और बहुत ही जिसे कहना चाहिए निकल कर के आया इस वीडियो में, वो जो केमिस्ट्री थी, मतलब बच्चन साहब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं विद द सटायर एंड पंचेज टू इमरान खान, और इमरान खान जवाब दे रहे हैं अपनी भाषा में, जैसे कि जिस तरीके से वो जो उनसे बोलते हैं, और वो जो है बहुत ही वधिया जिसे कहना चाहिए वीडियो निकल के आया। थैंक यू सो मच उस वीडियो के लिए भी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो किरदार था हमारा एक पत्थरबाज अशफाक, अशफाक इज़ बैक, तो अशफाक को भी आपने बहुत प्यार दिया कि एक पत्थरबाज क्या सोचता है और उसके मन में क्या चल रहा होता है, और वो उसको कुछ ये नहीं पता होता कि वो बस निकल पड़ा है रोड पे कि अभी हम तुमसे कहने कोशिश कर रहे हैं कि भाई केप के ऊपर इन्होंने क्या करा है, केप के अगेंस्ट में, अगर मुसलमान लोगों की केप बंद हो जाएगी तो जाएगा कैसे बता मुझे, अरे यार मुझे अगर यहाँ से हनीफ के घर जाना, हनीफ के घर से हमने वहाँ चचा के घर जाना, चचा के घर से हमने मौला साहब के घर जाना, तो कैसे जाएंगे केप से, और अगर केप ही नहीं होगी तो जाएंगे कैसे बतला तो देंगे, तो ठंड के अंदर ठिठुरते हुए जाएंगे क्या, इसलिए हमने पत्थर उठा लिया। देखो जरा वीडियो के अंदर देख लो भाई लमडो, चीज़ें सर बतला रहा हूँ तो मैं बार बार नहीं बतलाऊँगा, अपने फ़ोनों के अंदर मेरे को वो क्या बोलते हैं उसको लैंड करा लेना, ऐसे मारने पत्थर, ठीक है ऐसे, और ये क्या होता है अब की बार आपने कहा देखो घुटनों पे मारने, पहले मारे थे एडियो पे, अब मारने घुटनों पे, ज़्यादा ऊँचा मत कर देना, ऐसी जगह लग जाएगा ऊपर ही चला जाएगा, ऐसा नहीं करना, अपने वो करना है इतना इतना मारना है जिसके अंदर सिर्फ हवाबाजी हो जाए, ये नहीं चाहिएगा भाई इधर से हो गया उधर से, ना सीधा ऐसे, और सब कोई बोलते जाएंगे केप का हम विरोध कर रहे हैं, केप जब तक आप चालू नहीं करोगे ना तब तक हम आएंगे जाएंगे कैसे, इतनी सर्दी हो रही आदमी कैसे जाएगा कैसे जाएगा, तो बस उसी के ऊपर सारा का सारा डिरामा आएंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी करम, आपने इतना प्यार दिया इस साल हमको, हमारा ओपिनियन पोस्ट से हमने शुरुआत की थी और अब ओपिनियन पोस्ट का नाम बदल के कैपिटल टीवी हमने कर लिया है, रख लिया है, हम चाहते हैं कि ये बदलाव ज़रूर हुआ है, लेकिन आपके प्यार में, आपकी दुआओं में, आपके व्यूज़ में, आपके सब्सक्रिप्शंस में,
और आपके जिसे कहना चाहिए जो आप हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, बल्कि सिर्फ अगर होगा भी तो ये बदलाव होगा कि पहले अगर वो 50% था तो इस साल आप हमें वो 100% रिस्पॉन्स देंगे। और इसी तरीके से हम आपको अपने अलग अलग किरदारों से, मैं सौरभ सिंगल और हमारी पूरी टीम, डॉक्टर मनीष कुमार और जितने भी हमारे जर्नलिस्ट और भी हैं, वो सभी आपको अपनी न्यूज़ से, अपने व्यूज से, मैं अपनी कलाकारी से, अपनी एक्टिंग से, आपको लुभाने की, गुदगुदाने की, एक सच को थोड़े से हल्के नोट पे आपको लेकर के जाने की और अपने नज़रिए को रखने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और आशा करते हैं कि आप हमें अपना प्यार इसी तरह देते रहें। एक बात और जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि हो सकता है कि हमारी कोशिश आपको ना पसंद आए, हमारा नज़रिया शायद आपको ना पसंद आए, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें सुझाव दे सकते हैं, लेकिन एक गरिमा के साथ, एक भाषा की गरिमा के साथ, क्योंकि आप जितने भी वीडियोस देखेंगे जो आपको एंटरटेन करने के लिए बनाए गए हैं उनमें कहीं भी हमने किसी भी तरीके की ऊंची भाषा का प्रयोग नहीं किया है। ये हो सकता है कि हमारा जो नज़रिया है वो आपको ना पसंद आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी भाषा जो होती है वो आपको ना पसंद आए, जिसकी वजह से आपको शायद ऐसा लगे कि मैं इसको अनसब्सक्राइब करूं या मैं इसको आगे शेयर ना करूं, वो कभी नहीं होगा। हमारा हर वीडियो, छोटे से छोटा बच्चा भी और बड़े से बड़ा बुज़ुर्ग भी उस वीडियो को देख सकता है, और आप उसको ईयरफोन लगा के नहीं, बिना ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने भाषा पे बहुत काम किया है कि कहीं कोई भाषा ऐसी ना हो जो हमारे बच्चों को किसी ऐसी चीज़ में ले जाए कि जिसमें वो भाषा वो सीख लें और उसके बाद वो अपने घर में बोलते हुए पाए जाएँ और हमें ऐसा लगे कि हमने क्या परोसा था और उन्होंने किस तरीके से उस चीज़ को उठा लिया, ख़ास तौर से बच्चों के लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे किसी भी वीडियो में आपको किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक को उठाना चाहिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप उस चीज़ को ज़रूर उठाएँ, ज़रूर हमें बताएँ, और हमारे वीडियोस आपकी तरफ ऐसे ही आते रहेंगे। अपना प्यार देते रहें और सुझाव देते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें और एंड ऑफ इट सब्सक्राइब करते रहें। आपका आने वाला साल 2020 आपके लिए बहुत खुशियां लाए, बहुत सुकून लाए, रोज़गार लाए, आपको अपनी जो भी आपने मन में इच्छा रखी हैं वो आपकी इस साल पूर्ण हों, और आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आप अपने अपनों के साथ रहें, आपके जो दुश्मन हैं अगर कोई हैं तो उनके पास भी इतना काम हो कि आपकी तरफ से वो दुश्मनी भूल जाएं। और हम इन्हीं दुआओं के साथ आपको एक बार फिर से ऑल दी वेरी बेस्ट कहते हैं, एंड मेरी तरफ से, सौरभ सिंगल की तरफ से, आपको अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2020। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जाते जाते कहूँगा भाई अल्लाह हाफिज़, नो सईद, नो इमरान, एंड आई होप इन फ्यूचर नो पाकिस्तान। जय हिंद।